नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पीएम मोदी द्वारा जिस तरह दुनिया की मदद की गई उसके शानदार परिणाम निकलकर सामने आए हैं। अब स्थिति यह है कि जब वायरस की वजह से देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है, भारत पर पैसे की बारिश होना शुरू हो चुकी है। कमाल की बात यह है कि भारत ने किसी संस्था या देश के सामने हाथ नहीं फैलाया है, पर बावजूद इसके अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत के लिए अपने खजाने खोल दिए हैं। यह यकीनन भारत की विश्वसनीयता और उसके बढ़ते कद का नतीजा है। संभवतः इसी आधार पर IMF जैसी संस्थाएं 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रही है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस वायरस का भारत पर लंबे समय तक असर नहीं रहेगा। भारत बहुत जल्दी अपनी पिछली स्थिति को रिकवर कर लेगा। गौरतलब है कि भारत ने इस वायरस को बहुत हद तक नियंत्रण में रखा है। भारत में अभी तक 33,050 मामले सामने आए हैं। इसमें 1,074 लोगों ने दम तोड़ा है, जबकि 8,325 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। यानी इस वक्त 23,676 मरीजों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मोदी सरकार द्वारा त्वरित फैसलों के कारण ही यह सब कुछ संभव हो पाया है, जिसकी दुनिया भर में सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। कोरोना वायरस द्वारा दुनिया में मचाई जा रही तबाही के बीच पीएम मोदी पर अंतर्राष्ट्रीय जगत का विश्वास मजबूत हुआ है। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB ने मोदी को बड़ा लीडर बताया है। NDB ने ब्रिक्स देशों को $15 अरब देने का ऐलान कर दिया है, जिसमें भारत को अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा रकम दी जाएगी। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का संगठन है। इन 5 देशों को मिलने वाले $15 अरब इनकी अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती प्रदान करेंगे। इससे पहले भारत की मदद के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आगे आ चुका है। ADB ने भारत को $2 अरब 20 करोड़ देने की घोषणा की थी। इसी तरह विश्व बैंक ने इस वायरस से निपटने के लिए भारत को $1 अरब के आपातकालीन वित्त पोषण की मंजूरी दी है। खास बात यह है कि विश्व बैंक $1 अरब 90 करोड़ की राशि 25 देशों में देने जा रहा है, मगर इसमें सबसे बड़ा हिस्सा यानी $1 अरब अकेले भारत को ही दिया जाएगा। इसके साथ ही IMF ने भी भारत से कहा है कि वे अपनी ओर से हर संभव सहायता के लिए तैयार है। यह सब तब हो रहा है जब भारत ने किसी के सामने अठन्नी तक का अनुरोध नहीं किया है। भारत को बिन मांगे मिल रही मदद से पाकिस्तान के तहमंदबाज सुतली बमों पर बैठकर तिलमिला रहे हैं। पाकिस्तानी टेलीविजन की एक डिबेट में इसे सीधे इमरान खान की भीख मांगने की आदत से जोड़ दिया। गौरतलब है कि पाकिस्तान अब तक कई बार IMF से लेकर विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के आगे गिड़गिड़ा चुका है, मगर अभी तक किसी ने उसको $1 तक नहीं दिया है। हालत यह है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार $3 अरब पर खिसक आया है। अगर इस दौरान कर्ज नहीं मिला तो उसके पास सरकारी खर्च तक के लिए पैसे नहीं बचेंगे, जबकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इन हालातों में भी बढ़ रहा है। पिछले महीने ही उसमें $1 अरब 30 करोड़ की वृद्धि हुई है, जिसके बाद यह $476 अरब से ऊपर हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भारत को दी जा रही वित्तीय मदद में भी पाकिस्तान को राजनीति नजर आ रही है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि ये संस्थाएं पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों की मदद करने की बजाय उन देशों में पैसा लगा रही है जहां से इन्हें अच्छी खासी आमदनी होती है। इन संस्थाओं का नजरिया गरीब देशों के प्रति सकारात्मक नहीं है। जो देश बार बार वित्तीय मदद का अनुरोध कर रहे हैं उन्हें टरकाया जा रहा है, जबकि भारत पर बिना अनुरोध के ही डॉलर की बरसात की जा रही है। पाकिस्तान के पेलम पेल मंत्री शेख रशीद ने कहा है कि IMF ने $1 अरब 39 करोड़ का वादा करके भी अभी तक पाकिस्तान को धेला तक नहीं दिया है। विश्व बैंक ने $25 करोड़ का आश्वासन दिया था, पर हमसे पहले भारत को देने की तैयारी कर ली है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने $10 लाख का झूठा वादा करके पाकिस्तान को बेमतलब में गधैया नृत्य करा डाला। अगर विश्व की संस्थाएं और ट्रंप जैसे नेता इसी तरह पाकिस्तान को चुना लगाते रहे तो उनके मुल्क को दिवालिया होने में 2 महीने भी नहीं लगेंगे। पर मामला यहां तक नहीं है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाता किसी देश को लोन देने से पहले उसकी बिजनेस रेटिंग, अर्थव्यवस्था की स्थिति और विश्वसनीयता जैसे खास पहलुओं का बारीकी से विश्लेषण करते हैं। पाकिस्तान दुनिया से भीख तो चाहता है, मगर वे वक्त पर पैसा लौटा देगा, इसको लेकर संदेह बढ़ गया है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है। कर्जों की लिमिट धीरे धीरे पार हो रही है। $112 अरब का सूद चुकाने के लिए ही उसे कर्ज लेने पड़ रहे हैं। ऐसे में उसे और अधिक कर्ज देने से यह देश पूरी तरह गिरवी हो जाएगा।
इसलिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं अपने ऊपर बदनामी का दाग नहीं लगवाना चाहती है। भारत विशाल देश होने के साथ एक विशाल बाजार भी है। दक्षिण एशिया में विकास की सबसे ज्यादा संभावनाएं सिर्फ भारत में है, इसलिए कोई भी देश या संस्था भारत की एक आवाज पर या इच्छित पैसा देने के लिए तैयार है। पर मुल्लाओं के इस फकरू देश को यह बात समझ में नहीं आएगी। वह तो इसे भी मदरसे के मुल्ला द्वारा मुफ्त में बांटी गई जालीदार टोपी ही समझता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।